हेलो फ्रेंड्स, तो हम फिर से आपके साथ हैं और इस बार जो है हम करने वाले हैं पेपर आर्ट एंड एस्थेटिक का। आप लोग का एग्जाम हुआ है, कैसा एग्जाम गया आप लोग मैच कर सकते हो वहां से आंसर की जो है हम अभी आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और क्वेश्चन जैसा कि पेपर 7 है आर्ट एंड एस्थेटिक जीके से रिलेट करता है। आप लोग के डांस से, म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन, आर्ट से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वैसा ही पूछा है, कुछ ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चन नहीं है। तो चलो स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। अब आप लोग का जो है पेडागोजी पेपर रह गया है, पेडागोजी पेपर आईसीटी है और पेडागोजी पेपर है, तो उसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको पेडागोजी पेपर से रिलेटेड मटेरियल दिया जाएगा, आईसीटी से रिलेटेड भी मटेरियल दे दिया जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पे, कैटली सोनी ऐप जो है लिखना है, डाउनलोड करना है और फ्री मटेरियल में जाकर के सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे और टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो। गणगौर में सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सव के रूप में मनाया जाता है, गणगौर जो है कहां पे मनाया जाता है? राजस्थान का फेस्टिवल है ए नंबर। भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 7। 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत होते हैं। डैश देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न। सी। डैश का त्योहार भगवान राम के जन्म की वर्षगांठ के रूप में उपलक्ष मनाया जाता है, तो ये ए नंबर, रामनवमी। उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय गीत का नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश? कजरी, सी नंबर। भारत में स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? कभी कभी लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन दे दिया है। 15 अगस्त। निम्न में से, थोड़ा सा ये ब्लर है, ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है इसमें सही है, डांस से ही रिलेटेड है, तो बी नंबर होगा, कथकली और केरल। जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनवाना पसंद था? दरबारी दृश्य, कोर्ट सीन का। भारत का राष्ट्रीय त्योहार क्या है? देखो, नेशनल यहाँ पे फेस्टिवल की बात हो रही है, तो नेशनल फेस्टिवल जो है इन तीनों में से कोई नहीं है। आपका 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, तो कोई नहीं है, तो इसका आंसर डी नंबर होगा। कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है? डी नंबर, ये क्वेश्चन रिपीट भी है। अजंता गुफाओं के कलाकार कौन थे? डी हो जाएगा, ये तीनों के तीनों थे, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में, बौद्ध राजाओं के बारे में जो है। पंडित रविशंकर का संबंध है ए नंबर, कल हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था उसमें ये सारे क्वेश्चन थे। फुलकारी किस राज्य की परंपरागत शिल्प है? पंजाब, ये भी जो 100 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था उसमें ये सारे क्वेश्चन थे। परंपरागत कठपुतलियों मुख्य रूप से डैश प्रकार की होती है, 4। डैश जीवन की चिरंतरता एवं शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा। अजंता चित्रों की विषय वस्तु क्या है? जातक कथाएं। जातक कथाएं का मतलब होता है बौद्ध कथाएं, बुद्धिज्म के बारे में है, वहीं उसी के बारे में बताया गया है। कला और शिक्षा है निकट संबंधी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकट संबंधी ही है। संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? वेदों से। सजावटी कला किस पर प्रयोग की जाती है? गहनों पर, ग्लास पे, धातु पे, तो डी, सभी पे। बसौली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? देखो, यहाँ पे जो नाम है ये है ही नहीं, इसीलिए इसमें से, इनमें से कोई नहीं जो है हम दे रहे हैं। ये पहला ऐसा एग्जाम हो रहा है जिसमें इनमें से कोई नहीं ज्यादा टिक हो रहा है। मुगल शैली की नींव किसने रखी है? हुमायूं ने। अगर देखो आपको कोई और आंसर लग रहा है किसी भी क्वेश्चन का तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, कोई इसमें हेजिटेशन की बात नहीं है।
जो सही है सो वही रहेगा। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध। लिखुनिया गुफा कहां स्थित है? मिर्जापुर। संगीत में विकृत स्वरों की संख्या क्या है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 5 शुद्ध स्वर और विकृत स्वर मिलाकर के होते हैं, 12 टोटल है। पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? डीजीआर हंटर का। अजंता गुफाओं की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? 1819। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली, एनएसडी है ये। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938। एलिफेंटा गुफा किस और समुद्र से घिरी हुई है? चारों, ये द्वीप है। भारतीय चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य है 3। जोगी मारा गुफाएं कहां है? सरगुजा में, सरगुजा जिले में। 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? अशोक। मटके निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मध्य प्रदेश। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 8। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, मोस्ट ऑफ ब्राह्मी में। 1-2 जो है खरोष्ठी में है, 1 आई थिंक। 1 सप्तक में डैश स्वर होते हैं? 7। उस्ताद बिस्मिल्ला खान बजाते थे शहनाई, ये भी क्वेश्चन था उसमें। भारतीय कला के कितने रूप प्रचलित है? भारतीय कला के 3 रूप प्रचलित है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 30। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? पाली। कला छात्रों के शैक्षिक विकास में डैश है, सहायक है, बाधक तो नहीं होगी, कुछ लोग सीख करके आ गए होंगे। बिहार की लोक पेंटिंग किस नाम से जानी जाती है? मधुबनी पेंटिंग, कल मैंने बताया अभी तक क्लास में। निम्न में से हिंदुओं का त्यौहार कौन सा है? नागपंचमी। प्रागैतिहासिक काल में किस कला के गुण अधिक पाए जाते हैं? शास्त्रीय कला, ये भी आई थिंक रिपीट है। सीता बेंगरा गुफा की विशेषता क्या है? ये एक नाट्यशाला थी, थिएटर था जहां ड्रामा किया जाता था। कलश किसका प्रतीक माना जाता है? डी, सुख एवं समृद्धि का। अमृता शेरगिल का जन्म कहां हुआ था? अंगड़ी। शाकुंभरी का मेला आयोजित होता है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में है। लोकगीत के साथ कौन सा वाद्य बजाया जाता है? लोकगीत के साथ ढोलक। उस्ताद जाकिर हुसैन किसके पुत्र है? अल्लाह रखा खान के, बी नंबर। तबले पर कौन सी ताल बजाई जाती है? 3 ताल। फ्यूजन कला क्या है? कई कलाओं का मिश्रण, सी। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? चित्रकला। चित्रकला से क्वेश्चन ज्यादा है, कौन कौन है फेमस उसको लेकर के। तबला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तबल। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी किस राज्य किसे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। निम्न में से सितार वादक कौन है? 3 हैं, रविशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर जी भी हैं, विलायत खान है, अनुष्का शंकर, डी नंबर। राग में जो स्वर नहीं लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्जित स्वर।
विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मोहन वीणा। शिल्प का संबंध किससे है? देखो शिल्प, शिल्प का संबंध सुंदर रचना से हो, क्राफ्ट बोला जा रहा है, किसी भी चीज को जो है एक शेप दे देना, एक सुंदर शेप दे देना है, रचना भी हो सकता है, चलो उसको डाउटफुल में ही रखते हैं। कौन सा वाद्य आधुनिक है? पखावज। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? चित्रकला। सात स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तक। पांडवानी नृत्य देश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? भगवान शिव की। यहाँ पे त्रिमूर्ति भी दिया गया है, शिव का भी दिया गया है, भगवान शिव की ही मूर्ति जो है तीनों रूप में है, तीन तरह से है, तो भगवान शिव की अगर है तो वही लिखेंगे। एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। भारत में रंगाई छपाई का कार्य किस काल से हो रहा है? प्राचीन। गरबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर डैश को हुआ था, 1869। 2 अक्टूबर 1869। मात्रा, आठ मात्रा की ताल का नाम है? कहरवा। कला अनुकरणीय है किसका कथन है? रस्तु। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है? काला, प्राइमरी कलर नहीं है, ब्लैक। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तीन सप्तक से मिलकर के बना है, तीनों सप्तक का नाम है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। पाल शैली के मुख्य केंद्र क्या थे? बंगाल, बिहार और नेपाल। सबसे पहले चित्रित कृति तार पद पर लिखित एवं चित्रित पांडुलिपि कौन सी? देखो इसमें क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो दिया गया है वो इसमें है नहीं, अब उपरोक्त में से कोई हो नहीं हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है। तानपुरा का प्रयोग बहुधा किया जाता है गायन के साथ। दो बिंदुओं को मिलाने से, दो बिंदुओं की दूरी क्या कहलाती है? रेखा, लाइन कहते हैं। तीन ताल में कितने दिन होते हैं? चार बिट। एक गजल गायक है इसमें से, बेगम अख्तर। कोटा शैली को स्वतंत्र दायित्व किसने दिया? इसमें आ जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। संगीत का क्या अर्थ है? देखो संगीत यानी म्यूजिक, संगीत का अर्थ जो अगर प्राचीन काल से अगर हम ले रहे हैं तो उसका अर्थ हो जाता है गायन, वादन और नृत्य। हरेला क्या है? त्योहार, फेस्टिवल है। बाघ की पहली गुफा का नाम क्या था? ग्रे गुफा। मानव शरीर की संगीत में किस नाम से जुड़ा जाना जाता है? यहां भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए भाई, जहां डाउट है वहां पे मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी, मतलब 70-80% वाला सही है तो क्यों ही बताना, वैसे भी 80 क्वेश्चन सिर्फ करना था, 100 तो करना नहीं है। निम्न में से कौन भजन गायक है? अनुप जलोटा। प्रागैतिहासिक काल में किस कला के गुण अधिक मिलते हैं? ए। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करना। कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है? डी। वाद्य संगीत संगत के बिना नृत्य नहीं हो सकता, सही। शिकार के दृश्य सर्वाधिक किस शैली में चित्रित हुए हैं? कोटा। भातखंडे जी के अनुसार श्रुतियों की संख्या है 22। एकल गायन व वादन में कितने कलाकार प्रस्तुति देते हैं? देखो यहाँ पे क्वेश्चन अब हो जाए, हम लोग पूछते हैं क्या बोलते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन वैसा है। एकल गायन की अगर बात हो रही है,
अगर सोलो की बात हो रही है तो सोलो का मतलब भी होता है सिंगल, हम सिंगल में ही जाएंगे। सौंदर्य शिक्षा से आशय है, सुंदरता के ज्ञान से। गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? ईसाई। डी नंबर। भारतीय कला का महत्वपूर्ण पक्ष है? डी नंबर। बैम्बू नृत्य का परंपरागत नृत्य है असम का। गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम है व्यास पूर्णिमा। विद्यालयों में कला शिक्षा की उपयोगिता है? डी, तीनों के लिए। एंड दो और है, निम्न में से मुस्लिम त्योहार कौन सा है? इसका भी आंसर डी है। वसंत पंचमी पर किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? देवी सरस्वती। तो ये रहे आप लोगों के आर्ट एंड एस्थेटिक के आंसर की। मुझे तो लगता है कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिया होगा, सभी का 80 out of 80 जो है सही गया होगा, जैसा क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग। फिर मिलूंगी नेक्स्ट पेपर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।